subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. 9th My English Course Book Chit Chat English Workshop Activities Language Study Mark Twain 2.3 Mark Twain Question Answer सवालात के जवाब और सरगर्मियों के वीडियो को आखिर तक देखिए. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. पहला क्वेश्चन है, हु इज़ योर फेवरेट कॉमेडियन? व्हाट डू यू लाइक बेटर, टू लिसन टू अ जोक और टेल अ जोक? डू यू लाइक कार्टून्स इन कार्टून फिल्म्स? विच वन डू यू लाइक द बेस्ट द मोस्ट? कादर खान इज़ माई फेवरेट कॉमेडियन. आई वुड लाइक टू लिसन जोक्स. आई लाइक टू वॉच कार्टून्स लाइक टॉम एंड जेरी एंड अलादीन. कार्टून नेटवर्क इज़ माई फेवरेट कार्टून चैनल. आई वुड लाइक टू वॉच टॉम एंड जेरी. वर्ड्स मीनिंग है, अल्फाज मायने, एनेक्डोट्स छोटे मजाहिया किस्से, ब्लेज्ड तेज़ी से आगे जाना, कॉस्मिकली दुनिया के जरिए, फ्लैटर झूठी तारीफ करना, फ्रैटर्निटी भाईचारा, फ्रीक पुरजोश. सातवा है जनरलाइजेशन, आम जुमला, हेराल्डेड अच्छी अलामत, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यत, पोर्टेंडेड पहले से आगाह करना, प्रोडिजियस अजीम मेहमान, विट ज़र्फ अखल, रिडंडेंट गैर ज़रूरी. इंग्लिश वर्कशॉप है, डिड ट्विन टेल द बार्बर हु ही वाज? वाज ट्विन ट्वेन पर्टिकुलरली अबाउट हाउ ही ड्रेस्ड व्हेन ही वाज विजिटिंग फ्रेंड्स? Was Twain particular about what words he used? Do you think Twain approved of spelling reforms? Give reasons for your answer. How did Twain explain the spider in the paper? What did he want to highlight? Read the following and write two meanings of mind and matter. Age is an issue and mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Translate any five of the quotations you like. English workshops, no, Twain did not tell the barber who he was. यानी ट्वेन ने नहीं कहा था हज्जाम को, बारबर को, कि वो कौन था. नो, ट्वेन वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट हाउ ही ड्रेस्ड व्हेन ही वॉज विजिटिंग फ्रेंड्स. ट्वेन ने नहीं बताया था कि वो कैसे कपड़े पहनता है, उस बारे में उसे कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाते. ट्वेन वॉज पर्टिकुलर अबाउट वाट वर्ड्स ही यूज्ड. ट्वेन अपने अल्फाज का तायुन करने के लिए ख़ास तवज्जो देते. पांचवा है, नो, ट्वेन डिड नॉट अप्रूव ऑफ स्पेलिंग रिफॉर्म्स एंड दिस कैन क्लियरली सी इन द प्लान दैट ही प्रपोज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग. ही वांटेड टू कन्वे दैट फर्दर रिफॉर्मेशन वुड हार्म द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज. ट्वेन को स्पेलिंग रिफॉर्म्स की को उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया था कि इंग्लिश स्पेलिंग कैसे बेहतर बनाई जाए, और वो अपने रिफॉर्म जो है रिफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ थे क्योंकि उससे ज़बान के जो स्ट्रक्चर था बुनियादी उसे ख़तरा लाख हो जाता. सिक्स्थ है, ट्वेन एक्सप्लेन डैट स्पाइडर वाज ऑन द पेपर टू सी विच मर्चेंट वाज नॉट एडवर्टाइजिंग सो डैट ही कुड गो टू द स्टोर स्पिन हिज वेब अक्रॉस द डोर एंड लीड लाइफ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड पीस. ही वांटेड टू हाईलाइट दैट देयर इज़ अ नो लॉजिकल रिलेशन बिटवीन बिहाइंड सुपरस्टिशन. इन ट्वेन बयान करते हैं कि जो मकड़ी है वो क्या करता है, वो उसके बारे में जब बयान करते हैं पेपर में तो कहते हैं कि जो ताजिर है वो एडवर्टाइजिंग नहीं देते तो उनके दरवाज़े पर जाए, वहाँ पर जाकर जाला बुंदे और दरवाज़ा बंद कर दे ताकि वो इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सके. और वो इसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, इसके पीछे के मसाइल को. माइंड वेज ऑफ थिंकिंग ऑब्जेक्ट्स और मैटर बी ऑफ इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट अ सब्सटेंस. Five important quotations. All generations are false, including this one. Humor is mankind's greatest blessings. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to pause and reflect. A man cannot be comfortable without his approval. इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन है, इस नस्ल को मिलाकर सभी नस्लें बेकार और गलत हैं. दूसरा, मजा इंसानी के लिए सबसे बड़ा तोहफा है. तीसरा, अगर आप सच बोलते हैं तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. चौथा, जब आप अक्सरियत की तरफ हो तो आपको रुक कर गौर करना चाहिए. पांचवा, ख़ुद को मुतमईन किए बगैर इंसान सुकून नहीं पा सकता. रेफर टू द लैंग्वेज स्टडी पेजेस एंड रीड द एंट्री आयरनी एंड पन. यानी ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसके दो अहम नुकात दिए गए हैं. पहला है आयरनी यानी तंज. आई ऑलवेज हैव टू स्टैंड व्हेन दैट फेलो लेक्चर्स. यानी ये बार बार से कहा था कि मुझे हमेशा खड़ा रहना पड़ता जब
मार्क ट्वेन लेक्चर दिया करता, पन इसे फते हम है, एज इज़ एन इश्यू ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ़ यू डोंट माइंड इट डजेंट मैटर, उम्र जो है ये दिमाग के बारे में मामला रखने वाली बात है, अगर आप माइंड नहीं करते यानी इस पे तवज्जो नहीं देते तो सर कोई मतलब नहीं होता। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।